तेजस्वी प्रकाश के साथ नो टेंशन रिलेशनशिप में है करण कुंद्रा, कहा हमारे बीच बहुत सारी खामियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस को अगर मैच मेकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस शो ने कई जोड़ियां बनाई हैं जो आज तक एक साथ हैं। इसी शो में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की भी जोड़ी बनी है। तेजस्वी और करण बिग बॉस 15 में मिले थे, दोनों को शो में प्यार हो गया और अभी तक वो रिलेशनशिप में है। हाल ही में करण ने तेजस्वी संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। जब भी बिग बॉस में किसी को प्यार होता है तो उन पर प्यार का नाटक करने का आरोप लगता है, क्योंकि लव एंगल सबसे ज्यादा ऑडियंस का ध्यान खींचती है। करण और तेजस्वी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक इंटरव्यू में करण ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। वह उन लोगों के कमेंट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, वह उनके बिल्स नहीं भर रहे हैं, जो उन्हें चिंता होगी। करण कुंद्रा ने यह भी बताया कि उनका और तेजस्वी का अभी रिश्ता कैसा चल रहा है। इश्क में घायल एक्टर ने कहा, मैं शांत, खुश और सुकून में हूँ, यही जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। मेरे पास क्लियरिटी है, ये कोई मिशन के तहत नहीं हुआ बल्कि ऑर्गेनिक तरीके से हो गया। या एक नॉर्मल रिलेशनशिप है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी और मैं बहुत अलग हैं, हमारे बीच बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन यह परफेक्ट है। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के फैंस उन्हें शादी के बंधन में बंधते हुए देखना चाहते हैं, हालांकि लगता है कि उनके फैंस को और इंतजार करना पड़ेगा। करण ने अपनी शादी के बारे में कहा, जब आप एक दूसरे को लेकर क्लियर होते हो तो ये चीजें जरूरी नहीं होती हैं। जब एक रिश्ते में किसी चीज की कमी होती है तब आप इन बातों की टेंशन लेते हैं। हम इन चीजों के बारे में टेंशन नहीं लेते हैं, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं। शूटिंग के अलावा हम हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, हमारे बीच उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन हम और मजबूत बन जाते हैं। यह एक नो टेंशन रिलेशनशिप है, इस रिश्ते में कोई स्यापे नहीं है। करण ने कहा कि जब होना होगा उनकी शादी हो जाएगी। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।